बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू कौरमा। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन थोड़े से हैं हड्डी, यहाँ पर मैंने ले लिया है कम से कम हाफ के जी चिकन है। चलिए बनाते हैं। तो पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, 1/2 कप दही डाल रही हूँ। इसमें से मैं जो पानी रहता ना दही का वो निकाल लेंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं हो रहा है, हाथ से मिक्स करेंगे ना बोटी का अच्छे से मसाला लग जाएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको हम रख देंगे 10-15 मिनट ढक कर ठंडी जगह पर, सेट हो जाए मसाला हमारा। यहाँ पर मैंने गैस पे पैन चढ़ा लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज ली हूँ, इसको हम भून लेंगे, मोटा मोटा ही काट लिया। प्याज हमें हल्की सी भून चुकी है, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसमें हम मैं 1/2 खोपड़ा डाल रही हूँ मीडियम साइज का खाएँ, इसको भी इसमें ही इसे से भून लेंगे। इसको हम 2 मिनट इस तरह भूनेंगे, थोड़ी सी चाय के चम्मच से 2 चम्मच खसखस है ये, इसको ऐड कर देंगे, इसको भी इसमें भून लेंगे 2 मिनट, लो फ्लेम पे ही भून लेना है। मैं यहाँ पर 1 छोटा टमाटर ली हूँ, इसको भी इसमें डाल के हम भून लेंगे। ये ऑप्शन है, डाले तो टेस्ट अच्छा आता। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इनको हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, इसमें डालेंगे ऑयल, जितना हम लगता है उतना ऑयल डालेंगे, उसको तो हमेशा से 3 चम्मच ही लगा है, 3 चम्मच ही डालेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, 4 से 5 लौंग डाल ले रही हूँ, उसको अच्छे से भून लेंगे। पर डाल देंगे हम जो मैरिनेट करे हैं चिकन, उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी इसको खंगाल कर डाल देंगे, मसाला चिपक गया था, मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे, अभी चिकन का जो पानी है ना वो छूटेगा, ये ऑयल वाइप हो जाएगा, फिर से ऑयल जब छूटेगा ना, जब तक पकाएंगे हम इसको इसी तरह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। यहाँ पर ये मसाला ठंडा हो चुका है, इसको हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। माशाल्लाह ऑयल अच्छे से निकल रहा है, इसमें हम डालेंगे आलू, 2 आलू लेंगे, कट करके डाल देंगे, इसको भी गला लेंगे लगभग 80% तक कुक कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे ये खोपरा, प्याज, खसखस, 1 टमाटर का जो पेस्ट है ना वो है ये, इसको डाल देंगे, कर लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च डाली हूँ, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट होने लगा है, कोथमीर डाल रही हूँ। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।